हेलो गाइस, आज ले चल रही हूँ मैं आपको 2024 चंडीगढ़ फेयर में। ये है सेक्टर 17 में। यहाँ पर है सबसे पहले एंट्री गेट जहाँ पर टिकट काउंटर है। ये सेक्टर 17 में बिल्कुल बस स्टैंड के बिल्कुल पास रामलीला ग्राउंड है, वहाँ पर लगा हुआ है। सेक्टर 22 की मार्केट इसके बिल्कुल सामने है। पार्किंग सेक्टर 22 की मार्केट में भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पर भी पार्किंग है। टिकट 50 रुपीज की है और ये मेला सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक चलेगा। 3 दिन के लिए मेला लगा हुआ है, 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर दीपावली के अवसर पर। ऐसे फ्रेंड्स, चंडीगढ़ में अक्सर मेले लगते ही रहते हैं। मेले में अलग अलग स्टेट के एग्जीबिशन लगती है, जैसे कि आप देख ही सकते हो। फर्नीचर आइटम, कॉस्मेटिक, लेडीज के सूट, मैंने भी एक सूट लिया है, आइए देखें। सूट मुझे पसंद आया, चिकनकारी। लेडीज के कॉस्मेटिक, कंचूज और विंटर की आइटम्स, लखनवी कुर्ते और हिमाचल के हर तरह के सूट यहाँ पर है। यहाँ पर मेला बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस है, आप वहाँ पर कितना भी एंजॉय कर सकते हो। बाहर एंकर एंकरिंग कर रहे हैं और स्टेज होस्ट कर रहे हैं, और कोई भी आकर यहाँ परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पर मेरे बेटे ने, मेरे ब्रदर ने और मेरे हस्बैंड ने भी परफॉर्म किया। फिर हमने परफॉर्मेंस इनके बाद आ गए अंदर। ये देखिए, काफ़ी सारे फर्नीचर की एक एग्जीबिशन है, और इसके अलावा हम दूसरी तरफ आए तो कारपेट से कितना सुंदर सजाया हुआ है। जो यहाँ पर पूरा मैप दिया हुआ है इस कार्निवल का, कि आपके हॉल, आउटडोर, एग्जिट कहाँ से है, पूरा ब्योरा उसमें लिखा हुआ है, जो कि विजिटर्स रीड करके उसके अकॉर्डिंग विजिट कर रहे हैं। यहाँ पर अचार की स्टॉल लगी हुई है, आप देख सकते हो, स्पाइसेस भी हैं, और साथ में यहाँ सबसे ज़्यादा अच्छा है ड्राई फ्रूट्स जो अफगान से आए हुए हैं, उनसे मैं आपकी बात भी करा देती हूँ। यहाँ पर अंजीर, किशमिश, दाखें और साथ में है सूखे मेवे। किशमिश 1600 रुपये किलो, अखरोट गिरी 1200, 1600, 1800 रुपये किलो। वैरायटीज में जाम का रेट यहाँ पर 900 रुपये से लेकर 2000 तक है। जो दाख है, किशमिश जिसे कहते हैं, वो 1600 रुपये किलो, 1800 रुपये किलो, इस तरह से हैं। हर तरह की यहाँ पर आपको ड्राई फ्रूट्स मिल जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो इलायची है, उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी है, अभी तक महक आ रही है। आप आगे देखिए, ये गुजरात और राजस्थानी कल्चर आपको देखने से ही दिखाई दे रहा है। तो इनसे बात करें, इनसे बात करने से ये पता चला कि काफ़ी सारे पापड़ वगैरह लेकर आए हैं, और साथ में है पिकल्स यानी कि अचार। और आप देख ही सकते हो कि मेले में ड्राई फ्रूट्स की तो बहार है। ये अफगान से, ये अफगानिस्तान से आए हैं। असली मेले का आनंद आप खुद जाकर ले सकते हो। आइए इनसे बात करते हैं। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट बादाम है, अखरोट है। बादाम में तकरीबन ये क्वालिटीज है, इसको वाइट मामड़ा बोलते है, वाइट मामड़ा बोलते है, और इसको गोल्ड मामड़ा बोलते है, कागजी ये भी मामड़ा है, अखरोट ये पहाड़ी है, अंजीर बिल्कुल एकदम बेस्ट क्वालिटी, और मुनक्का है जो इंडियन रूक्स का फेवरेट है, ज़्यादा खाते हैं। पिस्ता है, किशमिश है चंद्रा की, सुंदरखानी स्मॉल साइज, सीड्स है पम्पकिन सीड्स, चिया सीड्स। तो आगे ले चलती हूँ मैं आपको, सनफ्लावर सीड्स शॉप है, और उसके बाद कई स्टॉल्स अभी लग ही रही थी, लाइक पोंचू की जो है साड़ीज़ के ऊपर वियर करते हैं। यहाँ पर आ गई हूँ मैं, ये बहुत ही सुंदर वुडन की आइटम है। उसके बाद मंदिर की आइटम देख सकते हो, और ये बाहर का नज़ारा, यहाँ से बस एग्जिट कर लेंगे हम। एग्जिट पर आपको मिल जाएगा सेल्फी पॉइंट, सेल्फी क्लिक करके आप आ सकते हैं घर। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल मानसी शर्मा चंडीगढ़ व्लॉग्स। थैंक यू फ्रेंड।